Hey guys, so we are back again. Dr. Adesh, say hi. So we are back again to show you yet another acne scar procedure. And today's patient has specially come from, where have you come from? Andhra Pradesh. Yes. Okay. So you specially come for your treatment? Yes, ma'am. Okay, so you heard it right, guys. This patient has specially come from Andhra Pradesh just for his acne scar treatment. Or jis tarike se aap log roz dekhte hain, कि रोज ही दो से तीन पेशेंट आते हैं आउटसाइड दिल्ली से फॉर दिस ट्रीटमेंट, बिकॉज वी हैव मेड इट सो इजी. वी हैव अ होल टेली कंसल्टेशन टीम जो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती है फोन पे, ताकि आप सुबह आकर अपना ट्रीटमेंट कराकर शाम की फ्लाइट से वापस चले जाएं. तो डॉक्टर आदर्श, ये क्या प्रोसीजर कर रहे हैं अभी आप एक्ने स्कार का? राइट नाउ वी आर डूइंग पंच एक्सिजन. ओके. एंड वी डिड ऑलरेडी पंच फ्रॉम बोथ ऑफ द चीक्स. ओके. So there were lot of prominent box scars and linear scars all around the mid portion of the face, and still lot of box scars are present, but in one go we can do limited amount of punch excision, and rest we will plan for second session. Mm-hmm. So here we used 2.5 mm punch for both of the cheeks. So this side is completed, so you can see. Okay, so guys, basically in stitching in that particular area, right? So jo bhi major box scars hote hain, gadde hote hain scar ke, unko agar hum laser ke through treat karne jate hain to wo unka response acha nahi hota hai. So in that situation punch excision is the treatment of choice, jisme ki जिस साइज का स्कार होता है उसी साइज का पंच यूज करके और पूरा का पूरा लीजन रिमूव कर दिया जाता है अलोंग विद इट्स फाइब्रस बैंड. जो अंदर फाइब्रस बैंड बना होता है उसको भी साथ में निकाल लिया जाता है, सो दैट वो एरिया फेस से गायब हो जाता है और वहां पर हम एक ये सूचक दे देते हैं. तो इफ इन केस, अगर वैसे तो स्टिचेस के मार्क्स नहीं आते, इफ इन केस आते भी है तो दैट कैन बी ट्रीटेड, क्योंकि ये जो एरिया है वो उसमें एक काफी बड़ा स्कार होता है और पंच सिर्फ उन्हीं एरियाज के लिए किया जाता है. राइट. सो गाइस, जनरली हम सबसर्जन एंड ऑल के टाइम पे लाइव जाते हैं, तो हम इसीलिए आज पंच एक्सिजन के टाइम पे लाइव आए हैं टू शो यू कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर रेजिम. एंड नॉट जस्ट पंच एक्सिजन, TCA pain, TCA cross, three types of subcision हम लोग करते हैं. cannula subcision, Nocor subcision, RF subcision, MNRF करते हैं, CO2 fractional laser करते हैं, PRP करते हैं, fillers करते हैं, surgical scar fission whenever it is required. So we are the only and only clinic in India, A, जिनके पास ये सारे treatments under one roof है, and B, जो इतने अच्छे acne scar के results दे पा रहे हैं because ये Dr. Adarsh का self-curated treatment है. तो डॉक्टर आदर्श, इसके बाद आप अब क्या करने जा रहे हैं इस पेशेंट में? इसके बाद हम TCA पेंट करेंगे. ओके. एंड देन वी विल गो फॉर सब्सेशन. सब्सेशन का सबसे बड़ा रोल होता है फॉर रोलिंग स्कार्स एंड आइस पिक स्कार्स. सबसे बड़ा रोल होता है सब्सेशन का फॉर बॉक्स स्कार्स. ये कह सकते हैं कि पंच एक्सिजन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बट जो अदर स्कार्स हैं उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज सब्सेशन. एंड इट इज नॉट अबाउट द टेक्निक कि सब्सेशन ही होता है. सब्सेशन किस तरीके से करना है, कितना इन्वेजिव कितना नॉन इन्वेजिव वे से आप जा रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक. लाइक इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट फाइब्रस बैंड जो है जो कि बहुत हार्ड है, एंड व्हेन आई वाज इंजेक्टिंग माय ट्यूमिसेंट विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी थिक नीडल, जो अच्छी खासी नीडल है वो भी टेढ़ी हो गई है बिकॉज ऑफ दैट दोस फाइब्रस बैंड. तो ऐसे केसेस में जिनकी फाइब्रस बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसमें नीडल्स तक टूट जाती हैं, कैनुलास ब्रेक हो जाते हैं, वहां पर सब्सेशन काफी अच्छे से करना पड़ता है, अदरवाइज वन विल नॉट गेट एनी रिजल्ट. मेरे पास आई थिंक आउट ऑफ 10 9 पेशेंट्स आते हैं कि जो ऑलरेडी 4 सब्सेशन 5 सब्सेशन करा चुके हैं एंड स्टिल दे आर सेइंग कि कोई रिजल्ट नहीं आया या 5-10% का रिजल्ट आया. दैट इज बिकॉज कि जो सब्सेशन है, सब्सेशन सिर्फ टेक्निक करने की बात नहीं होती है,
किस तरीके से आप सब्सिजन कर रहे हैं और कितना फाइब्रस बैंड्स को ब्रेक कर रहे हैं, इट ऑल अबाउट दैट. सो आई मेड माय ओन ट्रीटमेंट रेजिम फॉर दिस एक्ने स्कार रिमूवल प्रोसीजर, एंड जो सब्सिजन की टेक्निक है उसको भी मैंने उस पर्टिकुलर तरीके से इनहेंस किया है, किस तरीके से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम फाइब्रस बैंड्स को रिमूव ब्रेक कर सकते हैं और जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा स्किन रिलीज हो. ऑलराइट राइट, आई थिंक गाइस ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया लाइव सेशन, दैट्स ऑल फॉर नाउ. एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज प्लीज डीएम अस, बट वी ऑल्सो बी पेशेंट एंड बेयर विद अस एंड वेट फॉर 24 टू 48 आवर्स टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर टीम. So that's all for now. Dr. Adarsh, say bye. Bye, guys. Bye-bye, guys.